निम स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि समंदर पटेल अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का कार्यकर्ताओं का समंदर पटेल के नामांकन के दौरान उमड़ पड़ा, आखिर किस तरह का उत्साह है और किस तरह का दावा हम जानेंगे। समंदर पटेल मुख्यमंत्री बने और ये इसका संकेत है और ये शुरुआत होगी विधानसभा से। जो कार्यकर्ता जो चाहिए यहाँ से निश्चित कमलनाथ भैया थोड़ा दब जाओ। ये परिवर्तन जो लहर प्रदेश में चल रही है यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर भाई सब बहुत खुश हो चुके हैं। 20 साल से जावत का लगातार शासन हो रहा है, उनकी जनता उससे मुक्ति चाहती है। जैसा कि देखा जा रहा था कि काफी गुटबाजी की खबरें हो रही हैं, साथ में बताया जा रहा था कि जो आपका पर्चा है वो होल्ड हो गया है, किस तरह से विराम लगा है? देखो, पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है, सारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता एकजुट है, पूरा कांग्रेस परिवार लेकर चुनाव लड़ता है। इनको चुप कर कांग्रेस मैडम, आप हर सीट पर गुटबाजी खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जावत में क्या हो रहा है? ना राजू देखिए, जावत में ये जो जनता कह रही है कि अब जनता की सरकार बनेगी, और जनता की सरकार तब बनेगी जब हम सब एक जगह आकर लड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, मेरा यकीन कहता है कि जिस तरीके से मनासा में हम एक साथ लड़ रहे हैं, नीमच एक साथ लड़ रहे हैं और जावत में हम एक साथ ही लड़ रहे हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय आदि नहीं है हमने। और बहन नूरी जी ने बहुत प्रयास करे और मनासा में हम सफल रहे, नीमच में कोई भी हमारे साथ निर्दलीय नहीं लड़ रहा है, जावद में भी कोई भी नहीं लड़ेगा और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही है और हम 100% हम तीनों विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं। अभी क्या लग रहा है, लेकिन साथ में भी नहीं दिख रहा जो चेहरा है, सब दिखेंगे अभी समंदर में, सब विलीन हो गए सारे, अब वो वापस से दिखेंगे। तो ये थे हमारे साथ जावद का विधायक कैसा हो।